फ्रेंड्स, IDFC फर्स्ट बैंक के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट कल शनिवार को आए थे और इस बार बैंक ने 152 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में लॉस था और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 100 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी इन्वेस्टर भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए जब से रिजल्ट आया तब से। और यहाँ पर एक खास कल मैंने बात ये नोट करी कि फ्रेंड्स, नॉर्मली रिजल्ट के बाद IDFC फर्स्ट बैंक की जो दिग्गज एनालिसिस्ट होते हैं उसके साथ अर्निंग कॉल्स होते, तो वहाँ पर जो भी एनालिसिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनकर। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगा कि फ्रेंड्स, अब इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अभी जो 152 करोड़ रुपये के आसपास का IDFC फर्स्ट बैंक ने प्रॉफिट किया है वो तो बस एक छोटी सी शुरुआत भर मुझे लगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने अगले आने वाले दिनों के लिए कमेंट्री ही ऐसे दी। और यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली है कि जिसने भी पिछले 6 महीने में इस शेयर को बाय किया वो लोग अभी इस शेयर से बोर हो गए, और उसका रीज़न यही है कि कोरोना वायरस की वजह से बैंकों के लोन डूब रहे थे। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि बैंकों को जो प्रॉफिट था उसमें से पैसे निकाल निकाल कर प्रोविज़न बनाना पड़ता था, क्योंकि फ्रेंड्स बैंक लोन डिपॉजिटर के पैसे की देते, तो अगर लोन वापस नहीं आती तो डिपॉजिटर को पैसे कहाँ से दे। तो इसी वजह से उन लोगों को प्रॉफिट में से पैसे निकाल निकाल कर प्रोविज़न बनाना पड़ता है। तो वो अब सारी नेगेटिविटी यहाँ पर ख़त्म हो चुके ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ से IDFC फर्स्ट बैंक का तीसरे चौथे क्वार्टर्स में प्रॉफिट बहुत ही तेज़ गति से बढ़ेगा और अगले आने वाले साल में तो यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि कल मैनेजमेंट ने क्या क्या पॉजिटिव बातें कही और उसके आधार पर अगले आने वाले तीसरे चौथे और अगले साल का प्रॉफिट कैसा रह सकता है और उस प्रॉफिट के ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक की EPS कहां तक जा सकती है और उस EPS के आधार पर शेयर के टारगेट क्या हो सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, IDFC फर्स्ट बैंक की और भी कुछ विशेषताएं, तो इन सभी बारे में हम आज बात करने वाले। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस बार कल जो दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए वहां पर इसकी ऑपरेटिंग इनकम 3052 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, तो बैंकों का काम है लोन बांटना, तो लोन जो वो देते हैं उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट या फिर लोन पास करने की फीस वगैरह मिलता है उसको बैंकों का कोर रेवेन्यू सोर्स या फिर उसका ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि जो बैंक चलाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कल 3052 करोड़ रुपये के आसपास की इसकी ऑपरेटिंग इनकम रही थी, उसमें से अगर हम खर्चा निकाल दें तो 693 करोड़ रुपए के आसपास का प्री प्रोविज़न प्रॉफिट आया था। और ये फ्रेंड्स प्रॉफिट ऐसा होता है कि अभी इसमें से जो लोन डूबे हैं उसके लिए थोड़े पैसे साइड में निकालने पड़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बैंक हमेशा डिपॉजिटर के पैसे लोन देने में उपयोग करते हैं, और वो अगर लोन नहीं आए तो डिपॉजिटर के पैसे वापस करने के लिए उसको प्रॉफिट में से पैसे निकाल निकाल कर एक साइड में रखना होता है। तो कल 475 करोड़ रुपए के आसपास का बैंक ने प्रोविज़न बनाया और बाद में टैक्स वैक्स निकालने के बाद 152 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दर्ज किया। और अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या कहा, तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम बहुत ही अग्रेसिवली अगले आने वाले क्वार्टर्स में लोन बांटने वाले, तो जैसे जैसे वो लोन बांटेंगे वैसे वैसे उसका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ना स्वाभाविक। तो मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि 4-5% से दर से Q1Q इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ती जाएगी, और आप देख सकते हो Q3 में 3200 करोड़ के आसपास शायद जा सकती है और Q4 में 3350 करोड़ के आसपास जा सकती है, और खर्चा तीसरे क्वार्टर में 2400 करोड़ के आसपास रह सकते हैं और Q4 में 2450। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, तीसरे क्वार्टर में मेरा ऐसा मानना है कि 800 करोड़ रुपए के आसपास का शायद इसका प्री प्रोविज़न प्रॉफिट आ सकता है। और वहां पर एक बहुत ही खास पॉइंट जो नोट करने वाला था मैनेजमेंट का वो ये था कि मैनेजमेंट ने यह कहा कि अभी जो दूसरे क्वार्टर में हमने 475 करोड़ रुपए का आसपास का प्रोविज़न बनाया, अब उसको तीसरे चौथे क्वार्टर्स में बहुत ही कम प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। दूसरे क्वार्टर्स के मुकाबले तीसरे क्वार्टर में बहुत ही कम प्रोविज़न होगा और तीसरे के मुकाबले चौथे क्वार्टर्स में बहुत ही कम प्रोविज़न होगा। तो यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली है कि फ्रेंड्स, इनकम बढ़ती जाएगी खर्चे घटते जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका अंत में प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये अगर हम समझे, तो आप देख सकते हो Q3 में यानी कि अब अगला आने वाला जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर प्री प्रोविज़न प्रॉफिट 800 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 375 करोड़ रुपए के आसपास का बैंक प्रोविज़न बनाते हैं तो 425 करोड़
प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगी, और उसमें से अगर 25% टैक्स निकल दे तो 320 या फिर 300 करोड़ रुपए के आसपास अगला तीसरे क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वहां पर प्रॉफिट आ सकता है, जो कि Q1Q दो गुना के आसपास होगा। यानी कि फ्रेंड्स तीसरे क्वार्टर्स के रिजल्ट यहां पर बहुत ही शानदार रह सकते हैं, और चौथे क्वार्टर्स में फ्रेंड्स प्री प्रोविजन प्रॉफिट 900 करोड़ रुपए के आसपास जा सकते हैं। तो वहां पर आप देखो इनकम बढ़ रही है मगर प्रोविजन का खर्च घटने वाला है, तो इस बार प्रोविजन का खर्चा निकाल दे तो 600 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा, और उसमें से अगर हम 25% टैक्स निकाल दे तो 450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट चौथे क्वार्टर्स में आ सकता है, जो कि दूसरे क्वार्टर से 3 गुना होगा। मगर मान लो फ्रेंड्स कि 400 करोड़ भी आ जाए तब भी ये बहुत ही शानदार रिजल्ट हो गया। और तो फ्रेंड्स ये तो हमने अगले आने वाले दो क्वार्टर यानी कि इस साल की बात की, और यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि आज से 6 महीने बाद जब चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट 450 करोड़ पर क्वार्टर आने लगेगा, और अगले आने वाले साल यानी कि FY 2022-23 में IDFC फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट 2000 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि FY 2022-23 में पर क्वार्टर इसका एवरेज प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सर 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर कम से कम ट्रेड करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 50 का ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्यों, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स अभी जो बैंकिंग सेक्टर में जो दिग्गज प्लेयर है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 25 से 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करते हैं, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मली कंपनी यहाँ से कितनी बड़ी बन सकते उसके आधार पर होता है, और जो कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी बनने की संभावना होती है उतना उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी IT सेक्टर में इंफोसिस TCS दिग्गज प्लेयर माने जाते हैं, जैसे कि इंफोसिस की 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रेवेन्यू, TCS की 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रेवेन्यू, मगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसका ज़्यादा है तो हैप्पीस्ट माइंड का। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, तो हैप्पीस्ट माइंड यहाँ से 10-15 गुना आराम से अगले आने वाले सालों में हो सकते हैं, मगर TCS इंफोसिस आराम से वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, हालांकि मुझे तो नामुमकिन जैसी चीज़ लगते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये निकला कि जो कंपनी जितनी बड़ी बनने की संभावना होती उसका वैल्यूएशन उतना महंगा होता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक अभी HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से काफ़ी छोटे, तो इसलिए से देखें तो ये बैंक यहाँ से बहुत ही तेज़ ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी ये भी बात देखी जाती है कि प्रॉफिट कमाने की क्षमता कितनी है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में अभी दिग्गज प्लेयरों की बात करें तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग 4.25 से 4.5% के आसपास है, तो इसके सामने IDFC फर्स्ट बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो ये सर 50 से 70 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियरली मानना है। तो फ्रेंड्स 2000 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर अगर हम 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे दें तो 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप निकल कर आता है, और अभी 30,000 करोड़ के आसपास है, तो इसलिए अच्छे देखें तो ये सर यहाँ से आराम से 3 गुना से ज़्यादा बहुत ही कम समय में हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी EPS निकालना चाहें तो मान लो अगले साल इसका 2000 करोड़ रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा, तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक के 621,09,875 शेयर है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3.21 रुपये के आसपास की EPS निकल कर आती है, और उसको 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे दे तो इस शेयर का टारगेट 160 रुपये अगले आने वाले 6-8-10 महीने का निकल कर आता है। और मेरा तो क्लियरली ऐसा मानना है कि ये शेयर 70 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करेगा, तो वहाँ पर इस शेयर का टारगेट 225 से 250 रुपये तक भी निकल कर आ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैनेजमेंट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास पॉइंट के ऊपर सभी एनालिसिस्टों का ध्यान खींचा, और उसने ऐसा बताया कि हमारे पास अभी 27,667 करोड़ रुपए ऐसे जिसके ऊपर हम 8.67% का ब्याज देते, यानी कि उसने जो पैसे लोन देने के लिए लिए वो 8.67% के आसपास के प्राइस से एवरेज लिए, और अभी उसको फंड कितने में मिल रहे तो फ्रेंड्स 5% के आसपास। तो इसलिए अच्छे देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा बोल रहे कि फ्रेंड्स जैसे जैसे ये फंड वापस हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट और भी तेज़ी से इम्प्रूव होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक ने बोला कि ये जो महंगे पैसे हमारे पास पड़े हैं उसी वजह से हमें पर क्वार्टर
250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लॉस में जो एक फर्क है वो दिखता है। तो ओवरऑल जैसे जैसे ये पैसे रीपे होते जाएंगे वैसे वैसे IDFC फर्स्ट बैंक का मार्जिन और भी बेहतर होता जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे तो अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिसने भी IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को अभी नहीं लिया तो उसके लिए अब इस शेयर में घुसने का सबसे बेस्ट टाइम है, और यहाँ से अगले आने वाले कई सालों तक ये शेयर बहुत ही अच्छी रैली करता रहेगा।